खबर सुपौल से, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने हुई बैठक। बैठक में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। एसडीएम सहित कई अन्य अधिकारी रहे मौजूद। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बचाव एवं आगामी मुहर्रम पर्व को देखते हुए रविवार को राघोपुर प्रखंड अंतर्गत सिमराही बाजार स्थित जेपी चौक स्थित NS 57 के किनारे वीरपुर एसडीएम नवीन कुमार की अध्यक्षता में सिमराही बाजार वासियों के बीच बैठक आयोजित किया गया। ये हम सबका काम है, हम सबको बचना। आपको लगता है कि कपड़े की दुकान मेरी है, अगर मैं बंद कर दूंगा बगल। बैठक में सिमराही बाजार के सैकड़ों व्यवसायी वर्ग के लोग सहित आम लोगों ने भाग लिया। पटना चले जाइए, बड़े शहरों में चले जाइए, जो खुदान मार्केट देखिए 300-400 रुपए। हालांकि कोरोना महामारी को लेकर सरकार एवं विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करवाने को लेकर हुई बैठक में ही सरकारी नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। करीब एक घंटे तक चली बैठक में सोशल डिस्टेंस का खूब धज्जियां उड़ाई गई। बैठक शुरू होने से पूर्व सोशल डिस्टेंस को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा आवाज भी उठाया गया। बैठक में सोशल डिस्टेंस का पालन करवाया जाए तब बैठक शुरू किया जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा लोगों की बात को अनसुनी कर सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाया गया। बैठक में वीरपुर एसडीएम नवीन कुमार के अलावे राघोपुर आरडीओ सुभाष कुमार, राघोपुर अंचलाधिकारी प्रीति कुमारी सहित थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार भी मौजूद थे। सिमराही से एमके न्यूज इंडिया के लिए सुरेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। बाकी दिन 10-6 केवल केवल दवाई की दुकान खुली रहेगी, दूध की दुकान भी खुली रहेगी। दवाई तो कभी बीमार पड़ सकता है, दूध तो आप शाम को खरीद सकते हैं, दूध के लिए कोई ऐसी बात नहीं। खाली सुबह भी आती है, शाम को भी आती है, दूध का दुकान आप खरीद सकते हैं, लेकिन दवाई के लिए दवाई दुकान को अलाउ किया है। आज COVID-19 का जो आज बैठक सिमराही NS 57 के बगल में रखा गया SDO वीरपुर के द्वारा, जो मैं कड़ा विरोध करता हूँ, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, जबकि मेरे यहाँ सीनियर पदाधिकारी मौजूद थे, सारे SDM साहब थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, हमारे थाना प्रभारी थे, हमारे जो है सो अंचलाधिकारी थे, लेकिन कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया जो है सो, और बिना पालन किए ही एक घंटा तक बैठक चला, जो कि काफ़ी निंदनीय है और ये अच्छा बात नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि नहीं सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, और दूसरी तरफ हम अपनी खुद बैठक में एक सीनियर पदाधिकारी होने के नाते भी हम सीनियर बैठक में जो है सब बैठते हैं और कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस का इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और ये गलत है, एकदम बिल्कुल विरोध करते हैं। सिमराही बाज़ार के NS 57 पे एक बैठक रखी गई, जिसमें लोगों को ये समझाने के लिए कि लोग इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और उसके लिए जो बैठक हुई है उस बैठक में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, और प्रशासन के द्वारा यह जो बैठक है सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते हुए यह बैठक की शुरुआत की गई। अब आप ही बताएं कि अगर यदि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह करने के लिए कोई बैठक करते हैं और उसी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, तो यह कितना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, यह आप समझ सकते हैं।